प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, देखो क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स x, ठीक है। कंडीशन है कि मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। हम यहां पर ये चीज वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है, हम आपको बताऊंगा, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगी। नाउ सेकंड है cos inverse 1 by x is equal to secant inverse x, ये भी mod x is greater than equal to 1, and third one is tan inverse 1 by x is equal to cot inverse x and x is greater than equal to 0, ठीक है। देखो मैं ये आपको बता दूंगा, ये आप खुद अंडरस्टैंड करो, ठीक है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, और ये भी आपको मैं बताऊंगा। देखो sin inverse 1 by x is equal to cosecant inverse x, यहां x की वैल्यू दी है कि mod x greater than equal to 1 होगा, ठीक है। mod x is greater than equal to 1 का मतलब क्या है, x is greater than equal to 1, ठीक है, और x is less than equal to -1, ये मतलब होता है, ठीक है। और यहां पर x है क्या, x क्या है, यहां पर cosecant inverse x के डोमेन है, ठीक है। और देखो जो cosecant inverse x है इसकी जो डोमेन होती है हमारे पास क्या होती है, कॉसिकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन होती है हमारे पास माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1 टू इनफिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। और रेंज होती है इसके हमारे पास माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 जीरो को छोड़ के, ठीक है। तो देखो यहां पर जो मेरे पास एक्स है, यहां पर एक्स क्या है, डोमेन है कॉसिकेंट इनवर्स एक्स की, और यहां पर 1 बाय एक्स क्या है, ठीक है, 1 बाय एक्स क्या है वो, ठीक है, यहां पर साइन की डोमेन आ रही है, ठीक है। अब देखो साइन की डोमेन क्या होती है, साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स की डोमेन होती है माइनस 1 टू 1 एंड रेंज इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अब ध्यान से देखना यहां पर एक्स, ठीक है, मोड एक्स जो है वो दोनों में सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। देखो कॉसिक, ये जो एक्स है यहां पर क्या है आपके पास, डोमेन है कॉसिकेंट की, और इसकी डोमेन क्या होती है ये, ठीक है, ये और ये एक ही मतलब है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी, और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 का मतलब क्या है, माइनस 1 या माइनस 1 से छोटी, ठीक है। तो ये दोनों की यूनियन आ गई, ये डोमेन आ रही है, ठीक है। अब देखो आपको बोला है यहां पर एंगल क्या है, 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। 1 बाय एक्स में देखो 1 बाय एक्स ले रहा हूं तो इनइक्वालिटी हो जाएगी, इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और यहां पर अगर मैं 1 बाय एक्स लूं तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी उल्टी रहती है। अब इनको जरा इकट्ठा करो तो मेरे पास क्या बन रहा है, 1 by x जो है वो greater than equal to minus 1 है लेकिन less than equal to क्या है 1, ठीक है। ढंग से देखो तो ये 1 by x है क्या, साइन का एंगल है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है, और साइन की डोमेन क्या होती है माइनस 1 टू 1, और यहां पर भी क्या आ रही है माइनस 1 टू 1। तो देखो ये जो मोड x जो है ये दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो मोड एक्स है ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इसलिए एक यहाँ कंडीशन दी हुई है, ओके। सिमिलरली, ठीक है, कॉस इनवर्स के लिए भी वैसे करेंगे, ठीक है, सेम कंसेप्ट है। देखो टैन के लिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखो टैन इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो देखो कॉट जो इनवर्स है इसकी जो डोमेन है वो होती है ऑल रियल नंबर्स और इसकी रेंज आती है ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ठीक है। वो जो टैन है, ठीक है, जो टैन है इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी आपके पास, जो टैन इनवर्स है इसकी डोमेन भी आपके पास रियल नंबर होती है और रेंज आती है ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2, नॉट 0 टू, इट इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है। अब ढंग से देखना यहां पर, ठीक है, x is greater than equal to 0 तो क्या बचा हमारे पास, ठीक है, एक x is equal to 0 और एक x is less than equal is less than 0, ठीक है, यानी कि इसके लिए हमें चेक करना है, आ जाओ, ठीक है। अब देखो
जब आपके पास एक्स जीरो होगा तो टेन इनवर्स वन बाय एक्स, टेन इनवर्स वन बाय एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो, एंड टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो यानी कि वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइन, कब होता है ये, पाई बाय टू पर। ठीक है, तो देखो टेन इनवर्स की वैल्यू आ रही है ये पाई बाय टू, यानी कि रेंज आ रही है, रेंज में पाई बाय टू आता है, इसके ओपन इंटरवल है। ठीक है, दिस इज ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में पाई बाय टू काउंट नहीं होता है, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं आएगी, इसका मतलब जीरो पर नहीं आएगा। तो आपके पास यहाँ क्या क्या, और ये नंबर्स जीरो को छोड़ के। ठीक है, अब आ जाओ, जब आपके पास एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, देखो एक्स नेगेटिव होगा तो ये टेन इनवर्स में मेरे पास अंदर आएगा यहाँ पर। ठीक है, वो क्या आएगा, नेगेटिव एंगल आएगा। ठीक है, अब देखो नेगेटिव कब होता है, टेन, टेन नेगेटिव आता है आपके पास यहां पर। ठीक है, इसका मतलब टेन जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पर यहां पर देखो टेन की वैल्यू क्या आती है, टेन की वैल्यू थी माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, यानी कि ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पर प्लस पाई बाय टू और ये माइनस पाई बाय टू। ठीक है, तो यानी कि जो टेन है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू जो है इसकी ये, तो टेन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ओके, तो जो नेगेटिव एंगल है, ये जो नेगेटिव एंगल है ये तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं ले रहा हूं टेन इनवर्स माइनस पाई बाय फोर, नेगेटिव एंगल ले लिया। ठीक है, ठीक है, देखो नेगेटिव एंगल विच इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाय फोर लिख सकते हैं, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, नेगेटिव टेन सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाय फोर लिख सकते हैं, तो पाई माइनस पाई बाय फोर का मतलब क्या हुआ, माइनस टेन पाई बाय फोर, एंड विच इज इक्वल टू टेन थ्री पाई बाय फोर, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, टेन थ्री पाई बाय फोर। वो थ्री पाई बाय फोर जो है वो आपके पास कहाँ लाई करता है, 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, जबकि टेन की वैल्यू तो आपके पास कहाँ आती है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं आ सकती। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास जीरो भी नहीं आ सकती है, नेगेटिव भी नहीं आ सकती है। ओके, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर जो है सभी रियल नंबर लिए, सब ये यहाँ पर डिफाइन किया, एक्सिस ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। ठीक है, डोमेन क्या, कॉट इनवर्स के रियल नंबर, पर आपको कौन से यहाँ पर रियल नंबर लेने हैं, पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइन होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो वही चीज की एक्स अगर आप ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो ले रहे हो, ठीक है, इक्वल टू जीरो तो ये आपके पास पाई बाय टू है, तो पाई बाय टू इसकी वैल्यू में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए जीरो नहीं ले रहे हैं। अगर लेस देन जीरो ले रहे हो तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर जा रही है, तो वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू लाई नहीं करती है, वैल्यू आती है आपके फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए आपके पास ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इस और इस कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्स ग्रेटर देन जीरो जो है, ठीक है, ये जो डोमेन है एक्स, ठीक है, ये टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये कंडीशन दी, ये था यहाँ पर कंडीशन का मतलब। देखो आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, मैं आपको कंडीशन का यूज करना भी बताऊंगा कि यहाँ पर कंडीशंस कैसे यूज हो रही है। ठीक है, उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हमारे। ठीक है, आ जाओ पहले हम कुछ ये प्रॉपर्टीज ही कर लेते हैं। ठीक है, देखो इनका प्रूफ भी देख लो, मैं एक का प्रूफ कर रहा हूं, बाकी आप ट्राई करना। देखो फर्स्ट में है आपके पास साइन इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू कॉसेकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, इसे मुझे प्रूफ करना है, मैंने ले लिया लेट कॉसेकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, कॉसेकेंट वाई लिख सकते हैं। ठीक है, आपको साइन फॉर्म में आंसर चाहिए था, इसको क्या लिख सकता हूं, कॉसिकेंट को वन अपॉन साइन वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन एक्स, और वाई क्या आ जाएगा आपके पास, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड देन साइन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स ये आप यहां पे लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन बाय एक्स। तो ये देखो, और वाई है क्या आपके पास, कॉसिकेंट इनवर्स एक्स, तो कॉसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन इनवर्स वन बाय एक्स। तो ये आपके पास प्रूफ हो, ये इनके प्रूफ है, सिमिलरली वैसे ही है, और ये भी बिल्कुल सेम टू सेम प्रूफ है, जस्ट
साइन की जगह कॉस आ जाएगा और कॉस सी कैन, या जहां टैन आ जाएगा या फिर कॉट आ जाएगा, बिल्कुल सेम ये प्रूफ है। ठीक है, वो आप ट्राई करना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के तीन पार्ट बता दी मैंने आपको, इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी रिलेशन लगा के इनको याद रखना। ठीक है, सेकंड है हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट आपके पास जो कॉसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट इनवर्स एक्स, एंड द थर्ड पार्ट इज टैन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स। वैसे हम सीकेंट सीकेंट कॉट और कॉस के लिए करेंगे। ठीक है, आज वो प्रूफ में मैं यहां पर ले रहा हूं। ठीक है, मैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहा हूं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, देखो मैंने ले लिया यहां पर साइन, लेट जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है वाई कंसीडर कर लिया, प्रूफ सेम ही लग रहे हैं सब, लगभग सेम है। तो माइनस एक्स क्या आ जाएगा, साइन वाई, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन वाई लिख सकते हैं। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई को क्या मैं साइन माइनस वाई लिख सकता हूं, क्योंकि वी नो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। अगर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा तो लिख सकते हैं। ठीक है, एंड टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, देन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, एंड साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज वाई, वाई इज साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो देखो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। साइन इनवर्स माइनस एक्स इस साइन को यहां ले जाओ। ठीक है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, ये देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। सिमिलरली आपने सेकंड और थर्ड पार्ट इसके प्रूफ करने हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम है, सेम स्टेप चलेंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा रिलेशन बाकी रखना है, साइन कॉसिकेंट और टैन। ठीक है, साइन कॉसिकेंट और टैन में हमारे पास जब एंगल नेगेटिव आएगा तो यहां पर नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर, नेगेटिव साइन बाहर, तीनों में बाहर। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, अगर कॉसिकेंट माइनस एक्स इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कॉसिकेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा, अगर टैन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ थर्ड। थर्ड में आपको मैं बताता हूँ तीन जो आपके बचत है अभी। ठीक है, कौन कौन से, थर्ड में फर्स्ट पार्ट कि जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस के केस में क्या जाएगा, पाई माइनस कॉस, प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, अगर आप इनको प्रूफ करोगे तो मे भी आपको याद करने में इजी रहेंगे। ठीक है, अगर याद नहीं भी आती है तो ठीक है, एग्जाम टाइम में आपको एटलीस्ट ये तो पता लगे हमने प्रूफ कैसे किया था। ठीक है, तो वहां से भी आप ये कर सकते हो, तो प्रूफ आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज बुक ऐसे तो जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए प्रूफ के बारे में। ठीक है, पर प्रूफ आप कर सकते हो तो आपको फार्मूले याद करने में इजी रहेंगे। ठीक है, खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपको याद होगा। ठीक है, सेकंड इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेकंड इनवर्स एक्स, एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, देखो पिछले पार्ट में हमने किया नहीं कि डिफाइन नहीं की जो एक्स की वैल्यू कहाँ लाई करेगी। ठीक है, चलो कोई नहीं, देखो यहाँ जो एक्स की वैल्यू है वो लाई करेगी आपके पास माइनस वन टू वन को बिलोंग करेगी। देखो कॉस की आपके पास क्या होती है, कॉस इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या होगी, माइनस वन टू वन होती है। सीकेंट इनवर्स की जो आपके पास डोमेन होती है वो क्या होती है आपके पास, माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफिनिटी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ। और कॉट इनवर्स की, तो कॉट इनवर्स की आपके पास क्या होती है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब देखो जो पीछे छूट गया था, हमने साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू लिखा था
माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो देखो यहां पर जो एक्स की वैल्यू थी, साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है आपके पास, -1 to 1। तो एक्स की वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है, ठीक है। फिर हमने किया था कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स। तो यहां जो एक्स की वैल्यू है, देखो कोसेकेंट इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या होती है, माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन यूनियन 1 to इनफिनिटी, ठीक है। और तीसरा किया था हमने टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यहां जो एक्स की वैल्यू किसको बिलोंग करेगी, रियल नंबर को, ठीक है, क्योंकि टेन इनवर्स की डोमेन होती क्या हमारे पास, यही होती है, ठीक है। ये वही लिखे इनवर्स फंक्शन की डोमेन लिख दी मैंने, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं फर्स्ट को प्रूव कर रहा हूं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ओके। तो देखो मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को मैं मान लूंगा वाई, ठीक है, लेट दिस। तो माइनस एक्स क्या जाएगा, कॉस वाई, और एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस कॉस वाई। क्या मैं माइनस कॉस वाई को कॉस पाई माइनस वाई लिख सकता हूं, इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई होगा, ठीक है, हमें यहां से माइनस गायब करना था। तो देखो कॉस को टेकिंग कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड, देन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, ठीक है, यही आ रहा है, ठीक है। वाई को उस तरफ ले जाओ तो वाई क्या जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। वाई को यहां लेके इसको वहां लेके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू है आपके पास कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, बाकी ऐसे रहा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये देखो आपके पास हो गया प्रूफ कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट आप खुद प्रूफ करोगे, थर्ड पार्ट आप खुद प्रूफ करना, ठीक है। आप प्रूफ करते जाओगे तो आपको फार्मूले भी याद होते जाएंगे, ठीक है। अगर याद नहीं भी होते हैं तो आप एटलीस्ट, ठीक है, एग्जाम टाइम में आपको पता है सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, अगर आपने प्रूफ किए होंगे तो ये आपके लिए इजी रहेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास फोर्थ नंबर वन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको किस एक्स की किन वैल्यू के लिए वेरिएबल, ठीक है। देखो एक्स साइन की डोमेन -1 to 1, कॉस की डोमेन भी -1 to 1, ठीक है। तो यहां पर जो एक्स है वो बिलोंग करेगा किसको, -1 to 1 को, ठीक है। तो ये इन वैल्यूज पर डिफाइन होगा। देखो सेकंड है आपके पास सेकेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉसिकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो ये किन वैल्यू के डिफाइन होगा, देखो सीकेंट और कॉस की जो सीकेंट और कॉसिकेंट की डोमेन सेम होती है, तो किन वैल्यू से डिफाइन होगा, माइनस इनफिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इनफिनिटी, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1 इन ओपन इंटरवल, ठीक है। एंड नंबर थ्री, टेन इनवर्स एक्स प्लस जो कॉट इनवर्स एक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाय टू। किन वैल्यूज के लिए, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो टेन की जो डोमेन है वो रियल नंबर है, कॉट की डोमेन जो रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर पर डिफाइन होंगे, ठीक है। आ जाओ इनका प्रूफ, फर्स्ट मैं प्रूफ कर रहा हूँ। देखो आपके पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू के इक्वल हमने इसे प्रूफ करना है, ठीक है। आ जाओ लेट, क्या मैं साइन इनवर्स एक्स को वाई मान सकता हूं, माने तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मैंने वाई मान लिया तो देखो एक्स को क्या मैं साइन वाई लिख सकता हूँ। देखो यहां पर साइन है तो मुझे कॉस चाहिए था, साथ में साइन इनवर्स है तो कॉस इनवर्स चाहिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स को मैंने वाई माना, एक्स साइन वाई आ गया, तो साइन वाई को मैं कॉस में चेंज कर सकता हूँ इसलिए, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस पाई बाय टू माइनस वाई। अब देखो क्यों, देखो पाई बाय टू माइनस वाई आपके पास वैल्यू फर्स्ट पॉइंट में लाई करते हो, फर्स्ट पॉइंट में कॉस पॉजिटिव होता है और पाई बाय टू का मल्टीपल है ये, ठीक है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, तो
तो कॉस हो जाएगा साइन वाई, यानी ये लिख सकते हैं हम। तो देखो टेकिंग कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड देन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा पाई बाय टू माइनस वाई, लिख सकते हैं। वाई को इस तरफ लेकर आओ तो वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा आपके पास पाई अपॉन टू, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा पाई बाय टू, ठीक है। तो ये देखो ये था फर्स्ट पार्ट, ये प्रूफ हो गया। ओके सिमिलरली सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आपने प्रूफ करते हैं, ठीक है। जैसे चलो मैं थर्ड पार्ट आपको बता देता हूं, ठीक है, ट्राई आप खुद करना। वैसे इन थर्ड पार्ट आपको प्रूफ करना है द टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। देखो मैं क्या कहूंगा, लेट टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई कंसिडर कर रहा हूं, तो टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड देन एक्स इज इक्वल टू टैन वाई, टैन वाई को आपको कॉट में चाहिए तो उसको कॉट में चेंज कर लो। तो कॉट फर्स्ट पॉइंट में नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव होता है, जैसे मैं कॉट पाई बाय टू माइनस वाई लिख सकता हूं, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा। टेकिंग कॉट इनवर्स ऑन बोथ साइड देन कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस वाई, वाई को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा, एंड कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन टू, एंड व्हाट इज वाई, वाई इज टैन इनवर्स एक्स, देयरफॉर टैन इनवर्स एक्स प्लस ये देखो सॉरी ये है वाई की वैल्यू, वाई इज टैन इनवर्स एक्स, यहां सब्सिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है। यहां सब्सिट्यूट कर रहे हो तो मेरे पास टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या है पाई बाय टू, ठीक है। प्रूफ करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में भी इजी रहेगी, ठीक है, क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलती है, और प्रूफ करने से आपको फार्मूले भी याद हो जाते हैं, ठीक है। प्रूफ से आपको फार्मूले करने में याद करने में इजी रहते हैं, ठीक है, पैटर्न में याद करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, और कई तो अंडरस्टैंडिंग से याद हो जाते हैं, ठीक है, और कई तो आप ठीक है अगर नहीं सॉल्व हो नहीं याद आ रहा है फार्मूला तो सॉल्व करके भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम टाइम में। तो ये सेकंड, ठीक है, तो सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रॉपर्टी, और एक क्या है बहुत प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट है मेरे पास कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, देखो फिफ्थ फर्स्ट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। ओके एंड एक्स वाई इज लेस देन वन, ठीक है, किसके लिए एक्स वाई इज लेस देन वन होगा, ठीक है। अब देखो क्यों लेस देन वन होगा, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन अगर वन इक्वल टू वन होगा तो जीरो हो जाएगा, तो पाई बाय टू आ जाएगा, तो पाई बाय टू टेन इनवर्स के डोमेन में रेंज में आता है नहीं, ठीक है, तो यहाँ वन तो आ नहीं सकता। रही ग्रेटर देन वन की बात, ग्रेटर देन वन होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये एंगल क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, अगर एंगल नेगेटिव आ गया ठीक है तो आपके पास वो थर्ड पॉइंट में लाई कर जाएगा, मैं आपको पहले ही समझाया था, ठीक है। लेस देन वन में अगर आपके पास होगा तो आपके पास वैल्यूज कहाँ रहेंगी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट में रहेंगी। इनमें और केसेस भी बनते हैं, ठीक है, पर इतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। एंड टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ठीक है, एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन। देखो प्रूफ करने से पहले मैं प्रूफ करूंगा, देखो तो याद करने का तरीका, ठीक है, हमने फार्मूले किए थे कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए एंड टेन बी, हमने कुछ इस टाइप के फार्मूले किए थे, ठीक है, आपको याद हो प्लस वन में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ए प्लस बी, ठीक है, अगर देखो अगर यहां पर टेन ए मान लो एक्स से रिप्लेस कर दूं और टेन बी को मैं अगर वाई से रिप्लेस कर दूं इस पार्ट में,
ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, ठीक है, एक्स प्लस ये चीज बन रही है। ओके, तो देखो याद रहने, तो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, यानी कि यार ये कुछ इस टाइप का फार्मूला है। तो यहाँ यार एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई होगा, और ये टेन इनवर्स यहाँ लग जाएगा, ठीक है। प्रूफ में देखो, शायद आप प्रूफ करके ध्यान में आ जाए। तो मैं यहां पर मान रहा हूं, इसको ऐसे करो, इसको ले लो। देखो टेन ए प्लस बी क्या होता है आपके पास, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए एंड टेन बी, ठीक है। मैं कंसीडर करूं, लेट टेन ए को अगर मैं एक्स कंसीडर कर लूं और टेन बी को वाई कंसीडर कर लूं, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई बन रहा है, ठीक है, आ रही ये चीज, ठीक है। और देखो यहां से मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स वाई, आ रहा है, हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें टेकिंग टेन इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। देखो ये मैं प्लस वन के फार्मूले से ही प्रूफ कर रहा हूं, तो प्लस वन में ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो टेकिंग टेन इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो यहाँ ए प्लस बी बचेगा और टेन इनवर्स यहाँ आ गया, लिख सकते हैं। Now substitute the value of a and b and tan a and tan b. What is the value of a? Is tan inverse x plus what is the value of b? Is tan inverse y and which is equal to tan inverse tan a is x. ये देखो tan a की वैल्यू क्या है x और tan b की वैल्यू क्या है y. x plus y upon 1 minus x y. तो ये जो आपने प्लस वन में फॉर्मूले किए हैं ये सभी वैल्यूज वाई से ही ड्राइव हो रही, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या आ गया आपके पास, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, ठीक है। सिमिलरली आपने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए करना है, तो देखो tan a माइनस b का फार्मूला, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो सेम tan a को x पुट कर दो, tan b को y, तो आपके पास क्या जाएगा, a माइनस b, सेम ऐसे बनेगा, a माइनस b टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y हो जाएगा प्लस की जगह, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, सेम x प्लस y, ठीक है, टेन a माइनस टेन b था, तो यहाँ क्या जाएगा x माइनस y, यहाँ प्लस है, यहाँ फार्मूले में तो क्या जाएगा, कुछ ऐसा ही आएगा ना, ये a माइनस b इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन a माइनस टेन b अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी एंड ए इज, ठीक है, ए क्या माना था आपने टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और बी क्या माना था आपने टेन इनवर्स वाई, इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन ए इज व्हाट एक्स, टेन बी इज वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ये देखो ये प्रूफ हो गया, सेकंड यही आपने प्रूफ करना था, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। प्रूफ करो, प्रॉपर्टीज भी याद रहेंगे, प्लस वन के आपको फार्मूले से पता होना चाहिए, अगर प्लस वन क्या फार्मूले आपको पता है, ठीक है, उनके बारे में है, ठीक है। जितने ज्यादा आपको प्लस वन के फार्मूले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड है, ध्यान में है, उतना ही आप प्रूफ करोगे, क्योंकि ये सारी रिलेशन ना, सारे फार्मूले प्लस वन के फार्मूले से रिलेशन बनती है यार। एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई क्या था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी शक्ल बन रही है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम बन रही है। तो यहां से कंपैरिजन करने से आपको फॉर्मूले याद करने में इजी रहेंगे, ओके।